गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। सो के उठ गया, ड्यूटी स्टार्ट होने का टाइम ही हो गया, यानी 8 बज रहे हैं तकरीबन। लेकिन रूम पे जाने से पहले जो लोग कमेंट्स किए थे कमेंट्स बॉक्स में, उनके कुछ डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। यार जैसे मैं ना सुपरमार्केट में काम करता हूँ, ऐसा ही मेरा दोस्त है और उसकी भी एक सुपरमार्केट थी, यानी उस सुपरमार्केट में वो एज अ कैशियर समझ लीजिए, मैनेजर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए काम करता था। तो उसकी शॉप जो है वो बंद हो चुकी है अभी, तो उसने मुझे बुलाया है कि आप आके देख लो अगर आपके उसके लिए कोई सामान हो, लाइक आपके शॉप के लिए, क्योंकि पूरा सामान यहाँ पर ब्रांड न्यू होता है ना। बस ये क्या है कि उनकी शॉप बंद हो गई, तो अब बंद होने का मतलब ये है कि डेट वगैरह सारी चीज़ें वेल हैं हमें और अच्छे टेम्परेचर में रखी हुई हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, चाहे सेल के लिए चाहे यूज़ के लिए। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, तो आपको दिखाऊँगा वो शॉप और शॉप के अंदर का कुछ आइटम्स हो सकेगा वो भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है? तो बस वीडियो में बने रहें। ये देखिए कुछ सामान गाड़ी में लोड भी हो रहा है और ये सामान रिटर्न जाएगा। हाँ जी, क्या है रिटर्न कर दे रहे हो? सही नहीं है उसमें। तो यार ये वो शॉप है जो अभी बंद हो गया है 1-2 दिन के अंदर। तो आप देखिए क्या कैसे पूरा सामान नीचे पड़ा हुआ है और यहाँ पर लोग काफ़ी सामानों को निकाल रहे हैं बाहर, और निकाल के कुछ जो कंपनी का रिटर्न्स होता है, क्योंकि कुछ होता है ना कि क्रेडिट में लेते हैं जैसे हम सामान, तो वो कंपनी का क्रेडिट का जो सामान होता है उसको भी वो कंपनी अपना रिटर्न लेके जाएगा, लेकिन जो सामान हम कैश में ख़रीदते हैं और जो नॉन रिफंडेबल कुछ सामान होता है, तो उसका लिए तो मुझे बुलाया गया कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो मैं वही देख रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ यहाँ पे ठीक होगा तो मैं बाई कर लूँगा, अदरवाइज़ देखते हैं। क्योंकि देखिए सामान तो जो भी है नया ही है, क्योंकि अभी तक ये दुकान रनिंग में थी, पूरी सुपर मार्केट है बड़ी सी, पूरी रनिंग में थी, लेकिन किसी कारण बस कुछ भी हो तो इनके ऑनर ने इसको बंद कर दिया है। और उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया कि आप आके अगर चाहो तो, क्योंकि आप शॉप को रन करते हो, तो अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो आप ले सकते हो। तो मैं वही देखने आया हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे बंद भी हो जाती हैं शॉपें, ऐसा नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी बिजनेस का रीज़न होता है, वट एवर, या कुछ भी और भी रीज़न हो सकता है, ये तो उनके ऑनर ही को पता हो सकता है, लेकिन ये शॉप बंद है। आप सामने नमक पड़े हैं और ये चीज़ जिबन, यानी जिबन है पूरा, चीज़ क्रीम है ये, ठीक है, और ये सॉल्ट वगैरह है, ये सब पड़ा हुआ है। देख रहा हूँ मैं, उसके बाद में मैं अपने अरबाब को इन्फॉर्म कर दूँगा, अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो ले लेंगे। तो यार सामान तो काफ़ी था और लेकिन मुझे मेरे ही उसके लिए मुझे कुछ नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए भी पोस्टपोन कर दी। मैंने कहा आपको शाम को बताऊँगा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अभी मैं आ गया हूँ रूम पर, चलते हैं कुछ खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, पूरे दिन से ड्यूटी कर रहा था अभी चल के। हाँ जी, तो रूम पे आ गया हूँ, ये रूम है मेरा और ये चावल भाप निकलने के लिए खुले छोड़े गए हैं, और ये रहा सालन चिकन का, इसको भी भाप निकलने के लिए छोड़ा गया है। A few moments later. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। सो के उठ गया, ड्यूटी स्टार्ट होने का टाइम ही हो गया, यानी 8 बज रहे हैं तकरीबन शाम के, और अभी मैं फ्रेश हो गया नहा धो के जो है रेडी होने के बाद, अब मैं जाऊंगा शिफ्ट के लिए। अब यहाँ पे अंधेरा है, रात का कुछ यूँ सीन है, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाहर की लाइट शायद ऑन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीछे जो गेट है उसका सीन ऑन है, ठीक है, उसका लाइट ऑन है। तो सबसे पहले मैं जैसे बाहर निकला, अब मुझे यहाँ पे जो सर्वप्रथम कार्य ये करना है कि सबसे पहले अपना मास्क लगा लेना, और आप लोगों से कुछ मैं आज कमेंट्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले छोड़ के मत जाइएगा वीडियो। तो यार मैं ना आजकल कुछ हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, इसलिए ग्रीन लीव्स या ग्रीन वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ,
जिसकी वजह से मैं आया हूँ थोड़ा सा मार्केट में, सोच रहा था कुछ ग्रीन में ले लेता हूँ। तो मुझे ये बंधा समझ में आ रहा है, ले लेते हैं चल के, आज इसी को बनाते हैं। पहले इसको वेट करा लेते हैं कि ये कितना है यहाँ पे, ठीक है, और कितने का पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सामने काउंटर लगा हुआ है, ये रहा काउंटर, ये हुआ है 450 का। जी हाँ, 450 का हुआ है। तो यार काफ़ी मेहनत के बाद, मेहनत तो है ही यार यहाँ पे, काफ़ी मेहनत के बाद अभी मैं बैठा हूँ। वजह की ये तंदूर है और यहाँ पे मेरी डेली की जो रोटी होती है शाम की, वो यहाँ पे फिक्स है कि जितने भी लोग खाना खाते हैं उनकी जो रोटी है, हम और मेरे भाई की सबकी जो रोटियाँ हैं वो एक साथ बन के रेडी हो जाती हैं। फिर यहाँ से मैं लेकर रूम पे रहता हूँ, क्योंकि शाम को रोटी वोटी तो बनाते नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था ब्लॉग में, जैसा कि सभी को बताया जो लोग भी मेरे ब्लॉग को फॉलो करते हैं, जो लोग ब्लॉग को देखते हैं, तो रोटी तो बनती नहीं है। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली जाऊँगा रूम पे, लेकिन रूम पे जाने से पहले कुछ जो लोग भी कमेंट्स किए थे कमेंट्स बॉक्स में, उनके कुछ डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। जो लोग जॉब के बारे में पूछते हैं, मैं टेंथ पास हूँ या मैं इंटर हूँ या मैं इंटर हूँ या मैं टेंथ हूँ या फिर मैं मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है, कोई फोर्थ क्लास वर्क मिल जाए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं आ जाऊँ, ऐसे नाना प्रकार के काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि जो ज़्यादा ग्रेजुएट होते हैं वो लोग तो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेते हैं, उनको मेरे वीडियो में आने की ज़रूरत ही नहीं है और वो लोग आते भी नहीं है, और मैं उन लोगों को ज्ञान देना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं जिस लेवल पर हूँ। ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि मैं एक्टिविटीज़ को कैच कर सकूँ और उन एक्टिविटीज़ को आप लोगों तक रख सकूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें, ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सकें और आने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। एक जॉब यहाँ पर ये भी है, ये लोग जो कर रहे हैं, और ये साइकिल है यहाँ पे, ये साइकिल में रोटी रख के लोग डिलीवरी भी देने जाते हैं और बनाते भी हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया भी आपको कि कैसे होती है। वहाँ पर तंदूर जल रहा है, तीन लोग काम कर रहे हैं, एक लोग रोटी बेल रहे हैं, एक लोग जो है उसको पका रहे हैं तंदूर में। बहुत हार्ड वर्क होता है दोस्तों। जब कोई भी इंसान पहली बार दुबई आने की सोचता है, जब कोई भी इंसान पहली बार दुबई आने की सोचता है तो उसके दिमाग में मालूम क्या होता है कि मैं यूएई जाऊंगा और वहां पे दरहम कमाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के घर भेजूंगा, घर में ये करवाऊंगा या फिर कोई नया घर बनाऊंगा, ठीक है, अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगा। सारे लोग यही सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज होते हैं कि उसमें कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की लाइफ के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएई में होता सब कुछ है, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपको इंडिया से कम मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, तो ये आपकी भूल है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई कम मेहनत करनी, यहाँ पर आप उससे डबल ही समझ के आइए कि यहाँ पर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक ही चीज़ कहनी है, सबसे पहले आप लोग पढ़ाई करें जहाँ तक भी कर सकते हैं और जहाँ तक भी आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है। यार रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी गर्मी यहाँ पे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी क्यों भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे हर घर में एसी, हर फ्लैट में एसी, हर कार में एसी, हर गली में एसी, और आपको हर जगह, यानी कि ये मान के चलिए कि सारा का सारा एयर कंडीशन सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बैक साइड का जो कंप्रेसर होता है ना, उसकी जो एयर होती है भाई साहब, वो तो मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो कंप्रेसर की बैक साइड की हवा निकलती है और इसमें गजब की उमस होती है यार। अब जिस गली में सारे कंप्रेसर लगे होंगे, उस गली से एक तरीके से जाने का मतलब ये हो गया कि आसपास आग जल रही हो और उसके बाजू से हम निकल रहे हैं, ये फीलिंग आती है उस टाइम पर। तो यार दुबई आओ, दुबई आने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आना है वो आए, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड कि वो लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे, बस एक चीज़ करना कि किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। आप 12th पास हो, 10th पास हो, इंटर पास हो और या फिर ग्रेजुएट हो, जॉब मिलेगी आपको, सब के लिए यहाँ पर जॉब है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबके लिए जॉब। अभी थोड़ा पैंडमिक की वजह से जॉब का मसला चल रहा था, जिसमें कि लोगों को जॉब इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में भी अच्छा हो जाएगा और अभी ठीक ही है। और क्योंकि जैसे कि हर कंट्री में पैंडेमिक की वजह से काम स्लो हुआ है, उतना तो नहीं लेकिन कुछ बहुत तो असर पड़ता ही है, ठीक है।
यार यहाँ पे लाइम लाइट के अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को इस इन ब्लॉगों के माध्यम से बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो ये रात का कुछ सीन है, वापसी आ चुका हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं ये बाहर पानी की बोतलें लगी हुई हैं और बाकी सब वही सेम है। तो चलिए चलते हैं रूम पे। यार रूम पे तो आ चुके हैं और आने के बाद अब व्लॉग को यहीं पे करते हैं वाइंड अप, क्योंकि बाकी के सारे काम भी करने हैं और साथ ही साथ एक वीडियो भी शूट करना है अपडेट से रिलेटेड। जो भी मिक्स अपडेट आई हुई है टोटल ऑल ओवर डे की, इसका भी वीडियो आपको 8 बजे मिल जाएगा। यानी कि ये वीडियो आपको मिलेगा इंडिया के 8 बजे और ये वीडियो मिलेगा आपको दुबई के 8 बजे। यानी कि 6:30 बजे मैं डालता हूँ व्लॉग का वीडियो और 8 बजे डालता हूँ मैं न्यूज़ का वीडियो। न्यूज़ का वीडियो दो दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं फिर से कंसिस्टेंसी रखूँगा और आप लोगों तक वो भी अपडेट्स पहुँच सकेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें। जो लोग चैनल पर पहली बार आ जाएँ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। और मुझे, क्योंकि देखिए एक ही दिन में सब कुछ ना तो मेरे लिए बताना पॉसिबल है ना तो आप लोगों के लिए, कि एक दिन में जो बताया वो समझ गए और सारी चीज़ें एक दिन में निकल करके आ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हाँ, न्यूज़ की एक अलग बात है, लेकिन व्लॉग का कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो इसमें जो अंदर से निकल करके जिस समय जो चीज़ आती है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम रास्ते में चल रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है, ऐसा होता तो अच्छा होता, या फिर ये करके आते दुबई तो अच्छा होता, या फिर थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती, या फिर इस जॉब के अलावा ये जॉब होती तो अच्छा होता, या फिर यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो रही, यहाँ पे लोगों की वैकेंसी हो सकती हैं, यहाँ पे अगर कोई भी अपना बंदा चाहे तो यहाँ पे काम कर सकता। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल करके आती हैं। जैसे जैसे जो भी चीज़ निकल करके आएगी मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी शर्म, जिसे कहते हैं शर्म। और मुझे शर्म भी कोई नहीं है, मैंने आपको कल भी दिखाया था और मैं आगे भी आपको डे बाई डे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और कुछ समय बाद, जैसे कि आप सभी को पता है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। मेरा जैसे ही लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरा UAE एक्सप्लोर कर दूँगा। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि थोड़ा सा वेट करें, वेट के साथ ही साथ सपोर्ट करते रहें, ताकि जल्द से जल्द मैं आप लोगों को पूरा दुबई का जो जो मैंने सोचा है वो सब मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।